तुमने तो जैसे हंसा हंसा के ना अर्चना मैम के फेफड़े बाहर निकाल दिए। ए बकवास बंद कर, चल मेरा पैसा निकाल। कौन सा पैसा? जो तेरा ये सब कर रही है, मैं पैसा दे मेरा। अच्छा, कार्ड लेती हो? हाँ लेती है। तो ले लो फिर, मेरे पास आया नहीं, मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा था। ए पीताम्बर सेठ की लूंगी। ज्यादा बकवास नहीं करना मेरे सामने, चल मेरा पैसा दे। अच्छा, कितना हुआ? देख कलर का मैम 250 और जेल का 25 रुपया, सब कर, हेयर का 15 रुपया, 5 लाख निकाल। 5 लाख पार्लर में? हाँ जी मैम। मेरे पे सोने का पानी चढ़ाया तुमने, 5 लाख? अर्चना जी को तुम 250 में तैयार कर देती हो। हाँ, तो वो अपने घर से अपना डिस्टेम्पर और वॉल पुट्टी करके आती है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। हम लोग का क्या रहता है, हथौड़े से सिर्फ इनको ऐसा टचअप देना रहता है तो एकदम ठीक हो जाती है। इनका 250 है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। थैंक यू मैम। सपना प्लीज, मेरी यार एक रिस्पेक्ट है, तो गेस्ट आए हो, थोड़ा तमीज से बात करो। अच्छा अच्छा अच्छा। पैसे निकाल मेरे, तेरी पैसे निकाल। बात कर रहा है, अगर पैसे नहीं निकाले ना अभी तेरा रंबा हो 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 कर दूंगी मैं। गेस्ट के सामने बात कर रहा है। मैंने सिखाया इसको, हमारा बड़ा प्यार है। पाइनएप्पल मारू तेरे सर पे मैं अभी? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई और रास्ता है तो वो बताओ मुझे। हाँ एक रास्ता है। हाँ। मेरा छावा है नाला सुपर, मैं माय बॉयफ्रेंड नाला सुपर में रहता है। हाँ। उसका ना डुक्कर धोने का काम है। यू नो पिग? आई नो पिग, दे आर सो क्यूट लाइक दिस। यू आर आल्सो सो क्यूट। थैंक यू मैम, मेरे से ज्यादा वो लोग क्यूट है। अच्छा। तो उसका डुक्कर धोने का काम है, तेरे को उसकी मदद करनी पड़ेगी। मैं एनी टाइम तैयार, मैं सारे उसके सूर धो दूंगा, नो प्रॉब्लम। धोना नहीं है तेरे को, डुक्कर बन के जाना है उधर। यार सपना, तुम एक इंटरनेशनल मॉडल को सुअर बनने के लिए कह रही हो? हाँ तो सुअर को भी मैंने इंटरनेशनल मॉडल बनाया ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम? ये ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। दोनों भाई बहन मिलकर मेरे साथ ऐसे कर रहे हो ना, नेक्स्ट एपिसोड से मैंने आना ही नहीं है। तो दर्शकों अगले हफ्ते से जरूर देखना द कपिल शर्मा शो, ये नहीं आ रहा है। एक हेलो, दूसरे चैनल? मैं नाराज हो गया हूँ, मेरा फोन उठाओ फटाफट। यार गालियों क्यों दे रहे हो? चलो ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ। चल भाई, मैंने आना ही नहीं है। कप्पू बैठी देख। हाय सर, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, बैठे हैं। अरे सर, आप ना बड़े बड़े हीरो लोग को आवाज दिए ना आप। हाँ। अमिताभ बच्चन जी को, मैंने भी उनको आवाज दी थी, कोई सुने ही नहीं। कभी उनके बंगले के बाहर खड़े रह के मैं आवाज दी, संडे को आते ना कोई सुना नहीं, वॉचमैन लोग बहुत मारे मेरे को। सर मेरा एक छोटा सा काम है, आप करेंगे क्या? बोलिए। आप अमित जी का बहुत अच्छा आवाज निकालते हैं ना, मैं आपको फोन लगा के देगी। हाँ। आपको सिर्फ उधर बोलना है मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, और जो भी ये मोहतरमा बोलती है उसका काम कर दो। सर बोलिए। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। ये मोहतरमा जो भी चाहेंगी उनका काम पूरा कीजिए, ठीक है? ओके रखता हूँ। नहीं नहीं बात कीजिए। हेलो अभिषेक। हाँ मैं डैडी से बात करवा दी, मेरे को 1 करोड़ रुपया भेज देना, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू सर। आपने मेरा बहुत अच्छा काम किया सर। 2 करोड़ मांगना, एक मुझे भी दे देना। अरे सर आपको भी भिजवाएगी मैं, आप तो इतना जुम्मा चुम्मा करके करोड़ों कमाई ले सर। सर आपने मेरा काम किया, मैं भी आपके लिए करेगी। मैम आई हैव ब्यूटी पार्लर हियर, सपना ब्यूटी पार्लर। हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज हियर। वी हैव रंबा हो हो मसाज। अच्छा वो कैसे होता है वो? उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को हम लोग तेल लगाते हैं, तेल गरम गरम तेल लगाते हैं, फिर उसको पूछते हैं तुम रंबा हो? वो बोलते हैं नहीं, और गरम तेल डालते हैं उस पर और तड़पता है। हम बोलते हैं तुम रंबा हो? बोलते हैं नहीं, ऐसे करते रहते जब तक वो मानता नहीं कि वो रंबा है। ऐसे करते। हमारा दूसरा मसाज बहुत अच्छा है, 7 खून माफ मसाज। उसमें गाना गाए लेते ना। हाँ, उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को इतना रगड़ रगड़ के तेल लगाते हैं कि 6 जगह से उसका खून निकलता है। और फिर जब 7वीं जगह से निकलने वाला होता है वो बोलता है माफ कर दो। ऐसा करते 7 खून माफ। ओ माय गॉड। अरे कप्पू मेरे को जाना पड़ेगा। क्या वो कस्टमर बहुत देर से अंदर बैठे है, उसका अव्वा अव्वा मसाज करना है। क्या है अव्वा? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं। हाँ। फिर मैं पौवा पौवा मार के उसका अव्वा अव्वा करती।
लेकिन सपना जी, जाने से पहले एक बात कहूंगा। जी जी सर। कि आप लोगों ने इतनी बड़ी छुट्टी के साथ जो आप आए हैं, पहले तो छुट्टी लीजिएगा मत एक साल की जी, लेकिन आपका ये जो कैरेक्टर है इस शो को चार चांद लगा देता है। थैंक यू। मेरी सारी पूरी पूरी फैमिली आपकी बहुत जबरदस्त फैन है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं मैम के लिए नाचते जाएगी वापस बजा डार्लिंग। माइंड ब्लोइंग। Oh, she's fantastic. Really mind-blowing. Isn't she beautiful? Absolutely gorgeous. Sudesh ji, aap different singers ke gaane ya different actors ke gaane apne andaaz mein to gaate hain. Hum chahte hain ki hamare darshakon ke liye ek gaana, ek hi gaana ho, lekin usko alag-alag andaaz mein agar aap ga dein to please, aapki badi meharbani hogi, maza aa jayega sir. Ek gaana hai Amit Kumar ji ka gaya hua. Acha ji. Laila o Laila. अच्छा जी। लैला ओ लैला लैला, ये भी अमित जी ने गाया। ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। तो ये गाना सुपरहिट था, तो हमने सोचा लैला को अगर अमित कुमार की जगह सैगल साहब बुलाते। अच्छा जी, वाह वाह। लैला हो लैला, ऐसी तो लैला, ब्यूटीफुल, हर कोई चाहे तुझसे, अरे हाँ, मिलना अकेला रे। बोले सैगल साहब, ऐसे तो लैला नहीं आएगी। तो हम पहुंचे हेमंत कुमार के पास। वाओ। लैला हो लैला, ऐसी तो लैला, हर कोई चाहे मिलना अकेला रे। लैला हो लैला, ऐसी तो लैला, हर कोई चाहे मिलना अकेला रे, अकेला रे, अकेला रे। यहाँ भी काम नहीं बना। तो हम पहुंचे स्वर्गीय पंचमदा के पास। वाओ। डी आप भी नहीं बुला सकते लैला को, हम आपके पिताजी के पास जाते हैं। तो पहुंचे हम स्वर्गीय सचिन देवबर्मन साहब। डी लैला हो लैला रे, अरे बहुत अच्छे, ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे मिलना अकेला। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू। सुपर्ब सुपर्ब, एक्चुअली रियली ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। कुछ गाने ऐसे हैं आपको पता है, लेकिन वो पता नहीं कि मैंने गाए हैं। अच्छा जी। तो एक गाना है मोहम्मद अजीज साहब और मैंने गाया है। अच्छा जी। और वो गाना है राजकुमार और दिलीप साहब। अच्छा जी। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे पेड़, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई थे, चल घर जल्दी हो गई थे, इमली का बूटा बेरी का पेड़। क्या बात है, वाह। आशा जी के साथ एक डुएट गाया था, ये गाने आपको पता है लेकिन सिंगर नहीं मालूम है। अच्छा। झंकार तर तर तर, थोड़ी मस्ती थोड़ी यादी थोड़ा प्यार, ला 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 ला,
Thank you. राजकुमार साहब का आपने इतना अच्छा वो गाया है. एक्चुअली हमें आप कभी राजकुमार साहब से मिले थे, उनके सामने निकाली. राजकुमार साहब के साथ मैंने एक पूरा अमेरिका का टूर किया. अच्छा, उसमें मैं होस्ट था, एंकर मैं था. और पूरे टूर में मुझे क्या बोला थे, तुम्हारा नाम क्या है? मैं सुदेश भोसले. और जैसे मैं मुड़ू ना, सुभाष यहाँ आओ. सर मैं सुदेश. हाँ ठीक है सुभाष, अब कौन है? मतलब सर इसके बाद आपकी एंट्री है. नहीं, एक काम करो, किसी और को भेजो. तो मैंने कहा सर लेकिन किसी और की मतलब तैयारी है, बाद में आपकी एंट्री. नहीं अब क्या है, मतलब कोई एक लड़की है, वो कोई हीरोइन है डांस के, कौन सा कर रही है? बोले होठों पे ऐसी बात नहीं, उसे कहो पाकीजा करें. मतलब सर उसका कॉस्ट्यूम्स जो है वो होठों पे ऐसी बात का है, उसका पाकीजा का कॉस्ट्यूम नहीं लाया उसने मुंबई से. तो बोले नहीं एक काम करो, कोई घाघरा पहनाओ, चोली पहनाओ, लेकिन पाकीजा का करो. फाइनली इस शो के जो ऑर्गेनाइजर थे मिठुंदा थे, चैरिटी शो था लंदन में. अच्छा जी. सुदेश क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा वो? मतलब सर वो नहीं आ रहे. ऐसे ना उनका नंबर था नंबर 13 तक मुझे कराते, इससे कराओ उससे कराओ. नंबर 13 पे मतलब सर आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको क्या चाहिए मुझे बता. वो मोदी कहाँ है और एक ऑर्गेनाइजर, मतलब मोदी से क्या चाहिए, मैं लाके देता हूँ आपका सर. और लोग राह देख रहे हैं आपकी. मोदी कहाँ है? मेरी विस्की नहीं आई अभी तक. तो एंड तक बोल. लवली लवली. क्या बात है उषा जी, आपका एक डिफरेंट स्टाइल है, आपका खुद का स्टाइल है. और हमें ये भी पता है कि आप कोई भी गाना अगर किसी और का भी गाया हुआ अगर आप उठाएं तो आप बाखूबी अपने स्टाइल में उसको डाल सकती हैं. तो हम आपकी आवाज में कुछ. बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मैं अपने स्टाइल में गाती हूँ. वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स एक्चुअली जो मैं नाइट क्लब में गाती हूँ, ये जो गाना है ना, शुरू करते करते वी वॉन्ट यू टू सिंग विद अस. जी. ओके एवरीबॉडी रेडी? यस. आप भी गए. अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म. लुक एट द ऑडियंस. ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम. अजीब दास्तां है ये. व्हाट अ लवली ऑडियंस. आई लव यू. कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम. आर यू रेडी एट द बैंक? किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे. सिंग. किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे. ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे. अजीब दास्तां ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. थैंक यू उषा दीदी, थैंक यू सो मच.